लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र सीमा से लगे छत्तीसगढ़ जिले के बागनथी के पास चिरचारी डिपो में रोके गए लोगों में से करीब पौने 200 लोगों को रात अचानक बसों में भरकर अन्यत्र भेज दिया गया। कैंप में अभी भी करीब 400 लोगों को ठहराया गया है। रात के अंधेरे में अचानक इस तरह से लोगों को बसों में भरकर रवाना किए जाने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ज्ञात हो कि मंगलवार को राहत कैंप से लगभग 30 से 40 व्यक्तियों के कहीं चले जाने की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया है। आखिरकार लोगों को बीती रात अलग अलग बसों में भरकर छत्तीसगढ़ की सीमा तक पहुंचाने के लिए रवाना किया गया। चिरचारी डिपो के राहत कैंप में रोके गए मजदूरों को रात के अंधेरे में यह कहकर बसों में बिठाया गया कि उन्हें उनके घर ले जाया जा रहा है। 5 अलग अलग बसों में 30 से 35 की संख्या में बिठाकर रात 10 बजे के बाद बसों को रवाना किया गया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अप्रैल को अपने संबोधन में कोरोना वायरस से बचने के 7 उपायों पर जो देते हुए एक बार पुनः अपील की गई थी कि लोग जहां हैं वहीं रहें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें का खुला उल्लंघन किया गया है। इस अपील के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा उसी रात को लॉकडाउन के नियमों से परे चिरचारी डिपो के सैकड़ों मजदूरों को शिविर से हटाकर बसों में भरकर उन्हें रवाना कर दिया गया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि गत 12 अप्रैल की रात चिरचारी राहत शिविर से करीब 16 मजदूर रात के अंधेरे और सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए थे। उसके बाद मंगलवार को जिला प्रशासन हरकत में आया। कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन को इस बात का पहले से ही आभास हो गया था कि लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ाई जाने की घोषणा के बाद शिविर में ठहरे मजदूर किसी ना किसी प्रकार की घटना या अनहोनी को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए चिरचारी डिपो से मजदूरों को हटाए जाने के लिए बसों का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। बुधवार को भी चिरचारी डिपो में जागीरदार और आशीर्वाद ट्रेवल्स की कई बसें खड़ी नजर आई। ज्ञात हो कि मंगलवार को आईजी दुर्ग रेंज, एआईजी और स्थानीय अधिकारियों की बैठक रजनांद गांव में हुई थी। इस आधार पर कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में निर्णय के बाद उन मजदूरों को छोड़ा गया होगा। हालांकि इस मामले को लेकर अभी तक कलेक्ट्रेट की ओर से कोई बयान नहीं आया है, इसलिए पूरे मामले से पर्दा नहीं उठ पा रहा है। कलेक्टर जीपी मौर्य ने कहा है कि जिले भर में लगभग 46,000 से अधिक लोगों को प्रशासन के द्वारा भोजन करवाया गया है। जिले भर में 44 जगहों पर राहत कैंप लगाए गए हैं। 12,500 लोगों को सूखा राशन किट दी गई है। अन्य राज्यों से आए लगभग 2300 लोगों को रोज खाना खिला रहे हैं। जिले में लगभग 8,800 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इसके अलावा गांव में भी 3,000 से अधिक लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। जिले में महिला समूह के द्वारा लगभग 2,45,000 मास्क का वितरण किया गया है। सड़क चिरचारी में कैंप चल रहा है। कैंप में रहने वाले लोग परेशान कर रहे थे और जिला प्रशासन के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि वो घर जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन है। इधर सूत्रों से पता चला है कि चिरचारी डिपो से जिन 4 बसों में वहां ठहराए गए मजदूरों को प्रशासन द्वारा रवाना किया गया, उनमें बिहार के गया और जहानाबाद के लोग थे। प्रत्येक बसों में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए 30-30 लोगों को भी बिठाया गया था। बताया जाता है कि जशपुर कलेक्टर के आदेश पर प्रत्येक बस के मजदूरों को क्रमशः 4 ब्लॉकों में रखा गया है, जहां उनके रहने व खाने की व्यवस्था जिला प्रशासन जशपुर द्वारा की जा रही है। वहीं शहर के नए बस स्टैंड में जो लोग रुके हुए हैं, उन्हें स्वयं का वाहन होते हुए भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उनके साथ 7 माह का एक बच्चा भी है। ये सभी मच्छरों के प्रकोप और गर्मी से परेशान है। इन्हें यहाँ रहते हुए लगभग 18 दिन हो चुके हैं और ये सभी अपने घरों तक जाना चाह रहे हैं। मजदूरों को छोड़ा जाना व्यवहारिक दृष्टिकोण से उचित था, किंतु सवाल उठता है कि अन्य शिविरों में ठहरे मजदूरों को भी क्या इसी तरह से सहानुभूतिपूर्वक छोड़ा जाएगा। रात के अंधेरे में मजदूरों को ले जाए जाने से यह बात समझ में आ रही है कि प्रशासन द्वारा लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मुद्दों पर सवाल खड़े ना हो, इससे बचने के बेहद चतुराई के साथ काम किया गया है। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड 20 लोग उठे हैं, फिर और आदमी सब कंसल्ट हुआ, कोई सचिन हो गया, उधर हो गया टीम तरफ, वहाँ से हम लोग मतलब आगे आते आते मतलब 80 आदमी मतलब एकजुट हो गए। पैदल चल रहे थे, आगे कुछ दूर आए 20-25 किलोमीटर तो प्रशासन मिला, तो वो सब खाना खिलाया, फिर एक गाड़ी में बैठाया। वो कुछ दूर आगे आया, बॉर्डर लगभग पार कर गया था रात में भोर में, फिर वहाँ से वो उतार दिया गाड़ी, फिर वहाँ से निकले पैदल हम लोग दिन में 8 बजे।
फिर आगे आए इधर जलगांव तरफ, उधर पैदल चल रहे थे, लगता है 40-50 किलोमीटर चले, मतलब मालूम नहीं कितना किलोमीटर चले, हम लोग तो नापते थे नहीं। वहाँ फिर गाड़ी वाला बैठाया, फिर आगे आन के छोड़ दिया, फिर वहाँ से गाड़ी वाला बैठाया, उस प्रशासन वाला उधर मिला तो कोई नहीं रोका हम लोग से, बैठते मतलब गाड़ी से चले आए। ये बॉर्डर जहाँ हम लोग पकड़ाए हुए हैं उसको पीछे बॉर्डर के पीछे उतार दिया गाड़ी वाला, फिर हम लोग वहाँ फिर पैदल चले 20 किलोमीटर, उसी तरह से फिर यहाँ आन के थाम लिया, बोलता है जाने का है, वहाँ से ही अलाउ रहता कि नहीं जाने का अलाउ है तो हम लोग नहीं चलते ना, और बीच में लान के रोक दिया है, न खाना का सुविधा है यहाँ, न पानी का है, यही सब परेशानी है। चावल में कीड़ा निकलता है, खाना मिलना चाहिए 10-11 बजे, तो 2-3 बजे खाना मिलता है, रात में तो आपको अच्छा चावल दे देता है लोग, अरे तो काम करते हैं कंपनी में, कपड़ा बनता है। शुभ नाम क्या है आपका? रविंदर कुमार सिंह। हम सर सूरत पलसाना डिस्ट्रिक्ट चले हैं, वहाँ से हम लोग 20-22 लोग हम लोग वहाँ से चले हैं पलसाना चौकड़ी से। उसके बाद वहाँ से चले तो मतलब 25-30 किलोमीटर चल के कोई पुलिस वाला ने गाड़ी बैठाया था, ट्रक पे बैठाया था, वो ट्रक वाला हम लोग को लाकर कुछ दूर तक लाया था और छोड़ दिया था। उसके बाद मतलब महाराष्ट्र में हम लोग घुस गए थे, महाराष्ट्र में फिर हम लोग पैदल चल रहे थे, तो वहाँ से मतलब पहले ओ सब मतलब नेता लोग थे, ऐसा नेता लोग ने हम लोग को खाना वाना खिलाया, खाना वाना खिला के कुछ देर हम लोग को बेड करवाया था, रुकवाया था वहीं पे। उसके बाद उन्होंने एक भारत पेट्रोलियम ऐसे करके गाड़ी था, उसमें हम लोग को बिठाया था, उसके बाद बिठा के आगे भेजे थे, तो कुछ दूर लेके आया था। उसके बाद वो भी हम लोग को जलगांव उतार दिया था, जलगांव से फिर एक गाड़ी मतलब पुलिस वाला प्रशासन वाला ने हम लोग को बैठाया था, पुलिस वाला ही बैठाया था गाड़ी पे, तो हम लोग को बॉर्डर से पीछे उतारा था। बॉर्डर से पीछे उतारने के बाद हम लोग मतलब फिर पैदल आ रहे थे, तो पैदल आने से फिर वहाँ पे फिर पुलिस वाला ने हम लोग को रोक के फिर हम लोग को यहाँ लेके आया। तो हम लोग उस दिन हम लोग पूरा दिन खाना नहीं खाया था, फिर यहाँ लेके आए थे, यहाँ रात में फिर रुके हम लोग सब यहाँ पे, फिर खाना वाना सब मिला। फिर सुबह हम लोग का बहुत परेशानी हुआ शौच जाने के लिए दिक्कत था, तो हम लोग सब बैग उठा के सब गेट पे चले गए थे, तो हम लोग रुकना नहीं चाह रहे थे, फिर से रोका गया दौड़ डाल के, फिर यहाँ हम लोग को खाने के लिए बहुत परेशानी हुई। तो चलने में हम 250-300 किलोमीटर आसपास में चले हैं पैदल से। टोटल कितना लोग हैं? टोटल अभी सब मिला के हम लोग 80 लोग के लगभग हैं। शुभ नाम सुधीर कुमार यादव। हम लोग चले हैं अलाउदी से, उसमें मेरा कोई गाड़ी वाला मिला सचिन चौकड़ी पर से, वो उठा लिया, उठाने के बाद वो बीच रास्ता में लाकर छोड़ दिया गया, वहाँ से कोई प्रशासन वाला मिला, उसके बाद खाना खिलाकर वो किसी गाड़ी में उठा दिया, बोला इसको आगे तक लेते जा, आगे तक लाया बॉर्डर से, पहले वो गाड़ी वाला हम लोग को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद कुछ दूर हम लोग 50-60 किलोमीटर पैदल चल कर आए, पैदल चलने के बाद कोई प्रशासन ही वाला मिला, वो खाना खिलाया हम लोग को, खाना खिलाकर फिर वो गाड़ी वाला किसी को बोला, वो गाड़ी वाला काम नहीं किया, वो वहाँ से फिर बोला जैसे जा सकते हो चलते जाओ, वहाँ से फिर हम लोग चलने लगे, फिर बीच में आए कोई गाड़ी वाला को हाथ दें वहाँ पर ही रोका, फिर गाड़ी वाला ने बॉर्डर से पहले ही उतार दिया गया, बॉर्डर से पहले उतारने के बाद फिर हम लोग पैदल चले रात में फिर कोई गाड़ी वाला नहीं मिला। उसके बाद में फिर हम लोग पैदल चलते चलते जब पैर थक गया तो किसी जगह हम लोग आराम करने लगा, नाम नहीं जानता कौन सी जगह था, वहाँ पे आराम किया, फिर सुबह हुआ फिर कोई गाड़ी वाला ही आया, गाड़ी वाला फिर 50-60 किलोमीटर चलकर पैदल सुबह हम लोग आराम कर रहा था, वहाँ से फिर कोई गाड़ी वाला उठा दिया, वहाँ से फिर आकर खाना वाना खाया, पुलिस वाला प्रशासन ने खिलाया, फिर वो लान कर छोड़ दिया बॉर्डर से पहले। मैं चलते चलते तो पूरा पैर में छड़ा पड़ गया था साहब, और उसके बाद में तो डॉक्टर के पास यहाँ आया, प्रशासन लेकर आया, तो फिर वही बोला जांच करवाने के लिए, जांच भी अच्छा से ना हो पाया, उसके बाद में खाली टेम्परेचर नाप को छोड़ दिया गया, कौन कैसा आदमी आता है नहीं आता है, किसके पास बीमारी है किसके पास नहीं बीमारी है, वो यहाँ कोई इजाज़त नहीं है, सबको लाते जा रहा है, भर दे जा रहा है, बोल रहा है हम कोरोना को हटा रहे हैं कि कोरोना से जान मार रहा है, अभी हम लोग 700-800 की जनसंख्या में लान के छोड़ दिया गया है, कौन कैसा आदमी इसका कोई उपाय नहीं है।
20 लोग का पैर में पिछाड़ा पड़ गया था। मैं तो पूरी तरह से नहीं चल पाता हूँ, आज तक भी नहीं चल पाता हूँ, चल के बतलाऊँगा। तो शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम शैलेश कुमार यादव। दिन कर्फ्यू लागू हुआ उस दिन हमारा ससुर मर गया, तो हम लोग सोच रहे थे कब चालू होगा तो जाएंगे, तो हम लोग ने 8 दिन वेट किया। उसके बाद हम लोग सर वहाँ से निकले, तब पैदल तो जा नहीं सकते, गाड़ी का कोई सुविधा नहीं था, फिर हम लोग ने साइकिल का व्यवस्था की किधर से भी, तो हम लोग वही साइकिल से जा रहे थे नागपुर से झारखंड। फिर यहाँ हम लोग को बॉर्डर में पकड़ लिया गया और यहाँ पे रखा वाला खाना मिलेगा, सब कुछ फ्री मिलेगा, रहने का अच्छा सब सुविधा है। और यहाँ आए तो सर एक बार खाना मिलता है 3 बजे 2:30 बजे, और ये बिस्किट का पैकेट देख लीजिए, और ये केला देता है, बताओ कितना दिन हम लोग तो ऐसे ही बीमार हो जाएंगे यहाँ पे। सर हम लोग 7 साइकिल है और हम लोग 14 जन है, तो पारी पारी से हम लोग चला चला के आ रहे थे धीरे धीरे। अभी हम लोग 4-5 दिन से पहुँचे इधर। शुभ नाम हमारा सर पवन राय है, हमारे पिता का नाम महेश्वरी राय है, हम लोग गोड्डा जिला के हैं झारखंड का। जी हम लोग नागपुर महाराष्ट्र से आ रहे थे, हम लोगों को झारखंड जाना था। हम लोगों का पूरा ग्रुप 21 आदमी का था। जब ये लॉकडाउन हुआ तब हम लोगों को बहुत सी परेशानी होने लगी वहाँ, जो हमारा ठेकेदार था वो भी हम लोगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देने लगा। वहाँ पानी का सुविधा नहीं था, रहने का ठीक सुविधा नहीं था, उसके कारण हम लोग अपने रूम से निकल गए पैदल। पैदल हम लोग महाराष्ट्र बॉर्डर किसी तरह तो पार कर गए, मगर आखिरी में यहाँ छत्तीसगढ़ पकड़ा गया। पुलिस वाले ने पकड़ लिया। जब पकड़े गए तो हम लोगों को एक कैंप में लाया गया, जो ये कैंप है। इस कैंप में हम लोगों को बड़ी मुश्किल से 2 टाइम का खाना देते हैं कभी कभी, और जो सवेरे देते हैं हमें छोटा छोटा बिस्कुट जिस तरह का आपको पहले दिखाया गया, और एक केला देते हैं। उससे क्या इतने आदमियों का हो जाएगा टाइम पास? जी हम लोग चाहते हैं कि जिनके अंदर ये कोरोना वायरस का इफेक्टेड नहीं है इंसान, उन्हें चेक कर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.